आज नो स्मोकिंग डे है। आज के दिन धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिन है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में 1984 में पहली बार नो स्मोकिंग डे मनाया गया था। इसके बाद हर साल के मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाए जाने की परंपरा है। आज मार्च महीने का दूसरा बुधवार है, मतलब नो स्मोकिंग डे है। इस बार नो स्मोकिंग डे की थीम है क्विट एंड विन, इसका हिंदी में मतलब है छोड़ो और जीतो। इस बार नो स्मोकिंग डे के मौके पर देश भर के डॉक्टर्स, कैंसर विक्टिम्स और होटल एसोसिएशंस ने सरकार से एक अलग मांग की है। सभी ने सरकार से मांग की है कि होटल्स, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट्स पर स्पेशल स्मोकिंग रूम्स को बंद किया जाए, यानी कि स्मोकिंग जोन का कॉन्सेप्ट ही खत्म किया जाए। डॉक्टर्स, कैंसर विक्टिम्स और होटल एसोसिएशंस के मुताबिक ऐसा करने से स्मोकिंग करने वालों में कमी आएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग स्मोकिंग जोन में स्मोकिंग करते नजर आते हैं, घर पर नहीं। आप स्मोकिंग से होने वाले खतरे के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हर साल 13 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू के सेवन की वजह से होती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है और खपत करने वाला देश भी है। हालांकि साल 2000 से लेकर 2022 के बीच में स्मोकिंग करने वालों में 12% की कमी आई है, यानी कि साल 2000 में स्मोकिंग करने वालों की संख्या 32% थी, जो अब घटकर 20% रह गई है। लेकिन अभी भी स्मोकिंग से होने वाले जो खतरे हैं उनसे दूरी नहीं बना पाया है समाज। अब महिला और पुरुषों में स्मोकिंग करने वालों का आंकड़ा भी थोड़ा सा देख लीजिए। साल 2000 में स्मोकिंग करने वाले पुरुषों की संख्या 49% थी, जो कि साल 2022 में घटकर 37% रह गई है, जबकि साल 2000 में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं की संख्या 16% थी, जो अब घटकर 8% रह गई है। भारत सरकार स्मोकिंग के खिलाफ कई अभियान चला रही है, तंबाकू पर काफी टैक्स भी लगा चुकी है। यही नहीं, नशा मुक्ति को लेकर तरह तरह के अभियान चल रहे हैं। पैकेट पर जो वार्निंग है उसकी जो साइज है उसको भी बढ़ाया गया है। इसका नतीजा यह है कि स्मोकिंग करने वालों में कुछ हद तक कमी तो आई है। आपको याद भी होगा, इस बीच एक बड़ा स्टेप लिया था सरकार ने, 2 अक्टूबर 2008 को सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग बैन कर दी गई थी। ऑडिटोरियम, थिएटर, अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, बार और पब जैसी जगहों पर स्मोकिंग बैन है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना भी है। लेकिन सवाल ये होता है कि जुर्माना आजकल लेता कौन है? आज भी आपको इधर उधर यहां वहां स्मोकिंग करते हुए लोग नजर आ जाएंगे, लेकिन उनमें जुर्माना नहीं हो पाता, उनका चालान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वर्कफोर्स की कमी है। हर जगह आप निगरानी के लिए वर्कफोर्स तैनात नहीं कर सकते। हालांकि कुछ जगहों पर स्मोकिंग के लिए अलग से जगह बनाई जाती है। किसी शिक्षण संस्थान में लगभग 100 मीटर के दायरे के बाहर जो है वो तंबाकू की बिक्री होनी चाहिए। 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू उत्पाद जो है उस पर बैन है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने की इजाजत नहीं है। अब आपको दुनिया में स्मोकिंग को लेकर नियम भी बता देते हैं। सबसे पहले भूटान की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी देश। भूटान में तंबाकू पूरी तरह से बैन है। 2004 में तंबाकू पर पूरे देश में रोक लगा दी गई थी। सीमित मात्रा में इसके आयात की अनुमति थी, लेकिन इस पर भी भारी टैक्स लगाया गया था। 2005 में भूटान में किसी भी सार्वजनिक जगह पर तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी गई थी। इस तरह भूटान तंबाकू पर बैन लगाने वाला पहला देश बन गया। फिर 2010 में तंबाकू के पैदावार और इसके खरीदने बेचने पर भी बैन लगाया गया। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन में सबसे पहले अस्पताल, स्कूल, किंडरगार्टन और स्टेडियम में तंबाकू के सेवन पर रोक लगाई गई थी। बाद में सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया। अल्बेनिया में तंबाकू के खिलाफ 30 मई 2007 को कानून बनाया गया, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग करना और इसका प्रचार करने पर प्रतिबंध लागू किया गया। साल 2013 में इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कानूनी तौर पर सजा देने का प्रावधान किया गया। अर्जेंटीना का भी समझ लीजिए। अर्जेंटीना में 1 जून 2011 को सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग बैन कर दी गई। किसी भी कार्यस्थल, स्कूल, अस्पताल, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी जगहों पर स्मोकिंग करना बैन है। हालांकि छत या बालकनी पर जाकर कोई भी स्मोक कर सकता है, अपने प्राइवेट स्पेस में, हिंदुस्तान में भी कर सकता है। 20 में साल 2010 को सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग करना बैन कर दिया गया था। ग्रीस यूरोप का सबसे ज्यादा तंबाकू की खपत करने वाला देश था। हालांकि कुछ कॉफी शॉप्स और होटल्स में स्मोकिंग की इजाजत है नियम कायदों के तहत। यही नहीं, दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां तंबाकू पूरी तरह से आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, जिनकी हम लगातार बात भी कर रहे हैं। इनमें कुछ और देश भी हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, इजराइल, इटली, जापान जैसे देश शामिल हैं। कुल मिलाकर कहें तो धूम्रपान करना, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना, ये पूरी दुनिया के देश जान चुके हैं। ऐसे में जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ना बेहतर ही होगा।